अन्योन्हास्यो आर्मी, आप सभी बेसब्री से BTS के इंडिया आने का इंतजार तो कर ही रहे होंगे। और दोस्तों, आप सभी ने मुझसे कमेंट्स में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा था कि जब BTS इंडिया आएंगे तो वो कौन कौन सी जगह है जहां पर एक्सपेक्टेड है कि BTS अपने कॉन्सर्ट्स को परफॉर्म करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली आपके उसी क्वेश्चन पे बनाई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, BTS ने काफी बार अपने इंटरव्यूज में इंडिया की बात करी है और उन्होंने इंडियन आर्मी को ये मैसेज देते हुए बताया था कि वो जल्दी ही अपनी आर्मी से मिलने इंडिया आएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने काफी बार इंडिया आने की इच्छा जाहिर भी करी है, जिससे पता चलता है कि जैसे ही उनके वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो जाएंगे, काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि BTS इंडिया जल्दी ही आएंगे। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि BTS जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की काफी सारी सिटीज में परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों, इंडिया में भी अभी काफी सारी सिटीज हैं जहाँ पर BTS परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, BTS को अपने कॉन्सर्ट्स परफॉर्म करने के लिए काफी बड़े स्टेडियम्स चाहिए होंगे। और दोस्तों, इसीलिए हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, काफी सारी ऐसी एक्सपेक्टेड जगह है जहाँ पर BTS आकर परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वो इंडिया आएंगे तो हो सकता है कि शायद इन्हीं में से किसी जगह पर वो परफॉर्म करेंगे और उनके स्टे के लिए भी ये सारी जगहें काफी अच्छी रहेंगी। दोस्तों, ऑब्वियसली BTS को कोई ऐसी जगह या फिर सिटी चाहिए होगी जो हर जगह से वेल कनेक्टेड है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और एक अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों, BTS जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट अगर हमारे इंडिया में आएंगे तो उनकी हॉस्पिटैलिटी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए इंडिया वाले हमेशा बेस्ट चाहेंगे अपने आइडल्स के लिए। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर सारी कंडीशंस को पूरी किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, BTS जब आएंगे तो उन्हें अच्छे से स्टे करने के लिए भी अच्छे होटल्स चाहिए और उन्हें ट्रेवल सिस्टम भी काफ़ी अच्छा चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ उनके कॉन्सर्ट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, हमें लगता है कि इन सिटीज़ में वो काफ़ी अच्छे से पूरी हो सकती हैं। और दोस्तों, यही वो एक्सपेक्टेड सिटीज़ हैं जहाँ पर BTS के आने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों, ये सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं और सभी आर्मीज यहाँ पर आराम से ट्रेवल भी कर सकती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये वो स्पॉट्स भी हो सकते हैं जहाँ पर BTS अपने कॉन्सर्ट्स को परफॉर्म करेंगे या फिर स्टे करेंगे। और दोस्तों, बात करें उनके अराइवल की तो जहाँ तक अंदाज़ा है, BTS मुंबई या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अराइव करेंगे। हालाँकि दोस्तों, इस उम्मीद से ये भी माना जा सकता है कि उनका पहला कॉन्सर्ट मुंबई या फिर दिल्ली में ही होगा। पर दोस्तों, बाकी बातें कंफर्म तो उनके आने पर ही पता चलेंगी, जब वो इंडिया आने वाले होंगे और अपना पूरा प्लान वो आर्मी के साथ शेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कहां कहां पर BTS के कॉन्सर्ट होने वाले हैं और उनकी डेट्स क्या हैं और आप किस तरह उनका टिकट भी ले सकते हैं। तो आर्मी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को हर आर्मी तक पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।